हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, पैरों का दर्द, पैर में दर्द होना ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो हर उम्र के लोगों को होती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों। ये औरतों और मर्दों दोनों को होता है। तो पैर का दर्द आमतौर पर कमर से लेके पैरों तक जो दर्द होता है, और जो जिसकी वजह से पैरों में डिस्कम्फर्ट हो या शारीरिक प्रॉब्लम हो और जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा हो, तो उसे लेग पेन कहते हैं। यही पैरों का दर्द जो रात में बहुत बढ़ जाता है, पैरों में ऐठन होती है, और रात में लेटने के बाद पेशेंट बहुत बेचैन रहता है, पैर पटकता रहता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बूढ़े हों। तो पैरों में दर्द होने की कई वजह होती है। आमतौर पर जिनका वेट ज़्यादा है उनको ये पैर में दर्द हो सकता है, या जो ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं, या जिनका काम बहुत ज़्यादा चलना है, बहुत ज़्यादा पैरों का अगर यूज़ हो रहा है, मेहनत जो ज़्यादा करते हैं, जो ज़्यादा बोझा उठाते हैं, ज़्यादा भारी चीज़ उठाते हैं, या जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, या वो ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं, जिनका बैठने वाला काम बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी पैर में दर्द होता है। अगर आप टीचर हैं, खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तो उससे भी पैर में दर्द हो सकता है। तो पैरों का दर्द कई वजह से हो सकता है। एक्सर्शन होना और कैल्शियम की कमी होना, पोटेशियम मैग्नीशियम की अगर आपके अंदर हड्डियों में कमी हो रही है, तो उससे भी हो सकता है। जो थायराइड के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं, और जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो वेरिकोज वेन इनको प्रॉब्लम होती है, उनको भी हो सकता है। आमतौर पर दर्द क्यों होता है? दर्द होने की जो मेन वजह है, जो बच्चों में अगर दर्द देखा जाए, तो बच्चों को दर्द इसलिए होता है कि बच्चों ये खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती। बच्चों की अगर खुराक कम है और बच्चों को अगर दूध हज़म नहीं होता, दूध डाइजेस्ट नहीं होता, तो उस वजह से भी बच्चों में दर्द हो सकता है पैरों में। बड़ों में आमतौर पर अगर आपको पैर में दर्द हो रहा है, तो कैल्शियम की, विटामिन और आयरन की कमी और विटामिन डी की कमी से भी पैर में दर्द हो सकता है। ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में बैठे रहना या ज़्यादा देर तक खड़े रहना, बॉडी का वेट टांगों पर आना, या ज़्यादा जो गांव में जो सर पे बोझा उठाते हैं, या वो जो लेबर जो ज़्यादा ऊपर नीचे बिल्डिंग में छत के ऊपर जीने पे बार बार सीढ़ी को चढ़ना उतरना, उस वजह से भी पैर में दर्द हो सकता है। कमर से लेके पैरों तक जो दर्द होता है, वो नसों का दर्द होता है। हमारी बॉडी में आर्टरी और वेन दो तरह की नसें होती हैं। आर्टरी का काम है जो हार्ट से जो शुद्ध ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, जो ऑक्सीजन जिसमें होता है, उस ब्लड को पैरों के हर मसल्स में, हर बोन्स में, हर पार्ट्स में उसको पहुंचाना। अगर इन आर्टरी में कहीं रुकावट हो रही है, इस खून के दौरान में कहीं रुकावट हो रही है, तो उस वजह से भी पैरों में दर्द हो सकता है। यही ब्लड जब वापस पैरों से हार्ट की तरफ जाता है, जो ब्लड इम्प्योर हो गया है, जो डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, जिस ब्लड का पैरों में तमाम मसल्स वगैरह में यूज़ होने के बाद वो ब्लड जब वेन के द्वारा वापस हार्ट में जाता है, तो उस वजह उसमें भी अगर क्लॉटिंग कहीं हो रही है, उसमें भी कहीं रुकावट हो रही है, तो उस वजह से भी दर्द होता है, जैसे वेरिकोज वेन का दर्द होता है। पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो बहुत आराम से होता है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड को जाने में फ़ोर्स लगाना पड़ता है, तो वो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उस वजह से ब्लड अच्छे से नहीं आ पाता,
और जो तमाम वॉल्व होते हैं जो जॉइंट्स में, तो वो वॉल्व अच्छे से बंद नहीं होते, खुल नहीं पाते, उस वजह से भी ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, तो इस वजह से पैरों में दर्द होता, तो बहुत सारी वजह है। तो उसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए बहुत सारा अच्छा इलाज है। अगर आपका पैरों में दर्द है तो उस वक्त आप ये करें कि आप जो है रात में लेट जाएं और पैरों को ऊपर करके लेटें, आपका हेड जो है नीचे की तरफ होना चाहिए और पैर ऊपर की तरफ, आप पैर को दोनों को ऊपर उठाएं और सांस को रोक करके पैर को जितना हो सकता है ऊपर देर तक उठाएं, और फिर जब सांस छोड़ें तो पैर को नीचे करें। तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो पैरों को दीवार पे लगा के उसके ज़रिए से आप ऊपर उठाएं और फिर धीरे धीरे पैर को नीचे करें। ये एक्सरसाइज आपको रोज़ करना है, इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा और दर्द में आराम मिलेगा। पैरों में को कभी भी आप ज़ोर से नहीं बांधें। आमतौर पर लोग पैरों को कपड़े से लोग ज़ोर से बांध देते हैं, ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा नहीं है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपके वेरिकोज वीन है, ब्लड क्लॉट हो रहा है, कहीं रास्ते में रुकावट हो रही है, तो उस वजह से जो ब्लड क्लॉट होता है वो हार्ट में भी जा सकता है और इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। इस तरह के पेशेंट की जान जाने के बाद लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, लेकिन हार्ट अटैक नहीं होता। पैरों के दर्द की वजह से अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, उसका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा, ब्लड क्लॉट हो रहा है, और वो क्लॉट जो अगर आपके हार्ट में या आपके लंग्स में चले जाते हैं तो उससे पेशेंट की जान जा सकती है। तो इसलिए कभी भी पैरों को मसाज ना करें, पैरों को दबाए नहीं, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी ना करें, बहुत ज़्यादा वॉकिंग ना करें। इसकी जाँच कराएँ, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपको कैल्शियम का जाँच कराना चाहिए, आपको विटामिन डी का चेक कराना चाहिए, और विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन इनका ज़रूर टेस्ट कराएं, लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराएं, थायराइड और शुगर का टेस्ट कराएं, ये सब टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पैरों में नीले निशान पड़ रहे हैं, वेरिकोज वेन की शिकायत हो सकती है, जिसमें वेन्स में रुकावट हो रही है, ब्लड वॉल्व में ख़राबी होने की वजह से ब्लड जो है ऊपर की तरफ नहीं आ पाता, तो वो गुच्छेदार जाल की तरह वो पैरों में नीले रंग के क्लॉट होने लगते हैं, उस वजह से भी टांगों में दर्द होता है। तो खाने पीने में ज़रूर ध्यान दें, खाने में आप कैल्शियम वाली डाइट ज़रूर लें, दूध ज़्यादा लें, दूध है, अंडा है, हरी पत्तेदार सब्ज़ियां हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। आयरन, हरी पत्तेदार सब्ज़ियों में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, आयरन भी लें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कमी है तो आयरन और कैल्शियम की गोली लें, विटामिन डी की टैबलेट लें, रोज़ सुबह में धूप ज़रूर लें जिससे विटामिन डी आपको मिले और की वजह से कैल्शियम आपको बॉडी में अब्सॉर्ब हो। तो इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान दें, और इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन होम्योपैथिक मैनेजमेंट इसका टोटल ऑफ सिम्टम के ऊपर होता है। अगर आपके पेशेंट डॉक्टर आपको टोटल ऑफ पेशेंट सिम्टम पे दवा देते हैं तो इसकी बेहतरीन दवा है, आपका पैर हमेशा दर्द हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। तो आपको उस कारण पे जाना है, किस कारण से आपको पैर में, किस वजह से आपको पैर में दर्द हो रहा है। अगर साइटिका की वजह से हो रहा है तो इसकी अलग दवा होगी, यूरिक एसिड अगर बढ़ा है तो उस वजह से की दवा अलग होगी, वेरिकोज वेन की वजह से दर्द है तो उसकी अलग, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है तो उसकी अलग दवा। लेकिन होम्योपैथिक में सिम्टम के बहुत महत्व रखता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, सिम्टम के अनुसार अगर हम दवा देते हैं, पेशेंट का माइंड और फिजिकल सिम्टम लेकर के अगर दवा दी जाए तो पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो कुछ दवाएँ मैं बता देता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये दवाएँ आपको पेशेंट को सबको आराम मिले, ये सिम्टम अगर मैच करे तो ही आप इस दवा को लें। आर्निका पहली दवा है, आर्निका आमतौर पे चोट लगने के बाद, अगर आपको चोट लग गई है
हड्डी में चोट आ गई या गिर गए आप कहीं, इंटरनल अगर इंजरी है तो उसमें आप अर्निका ज़रूर दें। अर्निका के दर्द में स्वेलिंग, हड्डी में स्वेलिंग आ सकती है, मसल इंजरी हो सकती है, नीले रंग के इस गड्ढे स्पॉट निशान पड़ जाते हैं या काले रंग का निशान अगर पड़ जाता है चोट लगने के बाद, तो उसके लिए अर्निका बेहतरीन दवा है। अगर जॉइंट्स में, हड्डियों के जॉइंट्स में, घुटने में, एड़ी में, कहीं जॉइंट्स में अगर चोट आई है, कार्टिलेज डैमेज हो गया है, कार्टिलेज में चोट आई है, तो उसके लिए रूटा बेहतरीन दवा है। रूटा भी इंजरी में दी जाती है। अगर आपको पैरों में स्ट्रेन हो गया है, आमतौर पर जो खिलाड़ी होते हैं या बच्चे जो बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं, पैर मुड़ जाता है या मोच आ जाती है, तो उसमें आप बच्चों को रेस्ट दें। अगर आपको मोच है तो आप उसमें कोई ना एक्सरसाइज नहीं करें ना वॉकिंग करें, इसको टोटल रिलीफ है देना ज़रूरी है। और बर्फ़ के टुकड़े को ज़रूर लगाएं, जहां मोच आई है, जहां चोट आई है, वहां बर्फ़ के टुकड़े को आप 48 घंटे तक लगाएं, इससे बहुत आराम मिलेगा। तो उसमें मोच आने की बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है रस्टस। अगर आपका पैर मुड़ जाता है, एंकल जॉइंट अगर मुड़ जाता है तो उसमें रूटा है। अगर पैर मुड़ गया है, दर्द हो रहा है, तो उसमें आप रस्टस चलाएं। अगर आपने कोई भारी सामान उठा लिया, उस वजह से पैरों पे ज़ोर पड़ा या कमर पे ज़ोर पड़ा, तो जो हिप जॉइंट की नर्व्स हैं वो भी पैरों के नीचे तक आती हैं। अगर नर्व स्ट्रेन हो गया है, कमर में ज़्यादा ज़ोर पड़ गया है स्लिप डिस्क होने की वजह से या साइटिका की वजह से, आपने ओवरवेट कोई ज़्यादा चीज़ उठा ली है, जिम में आपने कोई वेट ज़्यादा उठा लिया, तो जिम में उठाने के बाद या कोई भारी सामान उठाने के बाद अगर आपके कमर पे ज़ोर पड़ा, उस वजह से अगर टांगों में दर्द हो रहा है, तो रस्टस इसकी बेहतरीन दवा है। और कैल्केरिया कार्प, ये दो दवाएं हैं जो सिम्टम के अनुसार दी जाएंगी। रस्टस शुरुआत में दें, शुरुआत में रस्टस देने के बाद आपको आराम ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये दर्द अगर बार बार आपको अपियर हो रहा है तो कैल्केरिया कार्प इसके लिए आप बेहतरीन दवा है, इसको भी दे सकते हैं। जो बच्चे जिनको कैल्शियम की कमी है व जो औरतें जिनको कैल्शियम की कमी होती है, तो उसमें भी कैल्केरिया कार्प दे सकते हैं। कैल्केरिया कार्प आमतौर पर मोटे लोग जिनका वेट ज़्यादा है, उस वजह से पैरों में ज़ोर पड़ने की वजह से भी पैर में दर्द होता है, तो कैल्केरिया कार्प इसकी बेहतरीन दवा है। कैल्केरिया कार्प 1 mg आमतौर पर मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर देता हूँ। तो ये रात में बहुत दर्द होता है, रात में ऐठन होती है, अगर इस तरह के दर्द है तो कैल्केरिया कार्प और रस्टस ये दो दवाएं ज़रूर चलाएं। दोस्तों इसी तरह अगर आपको वेरिकोज वेन की वजह से तकलीफ है, तो उसमें कई दवाएं हैं। वेरिकोज वेन पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको मेरे इनबॉक्स में जा कर के आप वीडियो में हमारे जो सर्च करें, तो उसमें आपको वेरिकोज वेन की होम्योपैथिक दवाएँ मैंने बताई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो वेरिकोज़ीन के लिए हेमामेलिस बहुत ही बेहतरीन दवा है, हेमामेलिस क्यू, इसको आप ज़रूर चलाएं। अगर पैरों में सुनपन हो रहा है, रात में लेटने में पैर सुन हो जाता है, तो इसके लिए जलशीमियम और आर्निका ये दो दवाएं बहुत अच्छी हैं, इन दोनों को साथ चला सकते हैं। बच्चों को अगर ज़्यादा खेलने के बाद उनको पैरों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए रस्टस है, लेकिन जो बच्चे खाना नहीं खाते, भूख जिनको कम लगती है, तो कोशिश ये करें कि वो खाना पहले खाएं, दूध ज़्यादा लें। खाने की कमी की वजह से भी जो विटामिन कैल्शियम बच्चों को नहीं मिलता, उस वजह से पैरों में दर्द होता है, तो इसलिए उनको भूख बढ़ाने की दवा दी जाएगी। तो उसके लिए अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर खाने से पहले 10-10 बूंद दो बार दें खाने से आधा घंटा पहले, जिससे उनको भूख लगे। तो उसके भूख लगने के बाद जो खाना खाएंगे, तो उससे भी उनको पैरों में आराम मिलता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है, तो उस वजह से पैरों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए कोल्चिकम है। और यूरिक एसिड बढ़ा होने के साथ अगर पेशाब में बहुत तेज़ बदबू आती है, जॉइंट्स में आवाज़ होती है, तो उसके लिए बेंजोइक एसिड बहुत ही अच्छी दवा है। इनको दो दवाएँ हैं जो बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। और अगर आपको साइटिका का दर्द है, तो साइटिका का दर्द अगर बहुत ज़्यादा
चलने से होता है, ज़रा सी आप हिल डुल नहीं सकते, तो इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देनी पड़ती है सिम्टम के अनुसार। अगर बहुत ज़्यादा हिलने डुलने से भी तकलीफ़ हो रही है तो ब्रायनिया भी दे सकते हैं, रस्टस भी दे सकते हैं और हाइपेरिकम भी दे सकते हैं। अगर इंजरी के बाद नसों में चोट आई है, नसों की इंजरी है, तो हाइपेरिकम इसके लिए बेहतरीन दवा है। आमतौर पर जो घुटने, जो कमर के नीचे जो हड्डियां होती हैं, कमर के नीचे जो फीमर बोन होती है, उसके बाद नी जॉइंट होता है, और के बाद जो दो बोन और होती है घुटने के नीचे, टीबिया फिबुला जिसे कहते हैं, अगर टीबिया में दर्द है तो उसके लिए फास्फोरस बेहतरीन दवा है। फास्फोरस बेहतरीन ये दवा काम करती है। अगर घुटने के नीचे हड्डियों में दर्द होता है तो ये फास्फोरस आप इसे ज़रूर दें, बहुत ही मेरी आजमाई हुई दवा है। टीबिया जो बोन्स होती है उसमें अगर दर्द हो रहा है तो उसमें आप फास्फोरस दें। हड्डियों में अगर किसी तरह की डिफेक्ट है, अगर आप हड्डियों की जांच कराएं, उसमें अगर कोई टीबी है तो बोन टीबी की वजह से भी दर्द हो सकता है, तो उसकी अलग दवा होगी। इसलिए पहले हड्डियों की आप ज़रूर एक्सरे कराएं, अगर एक्सरे में आपको कोई रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे दवा दी जाएगी। तो इतनी दवाएं मैंने बताएं, इन दवाओं को ज़रूर फॉलो करें, और जो हड्डियों का दर्द है उसके मेन कॉज पे जाएं, अगर वो कॉज पता हो तो उस बेसिस पे दवा आप ज़रूर लें। और जो दवाएं मैंने बताई हैं वो जनरल दवाएं हैं, लेकिन आपको सिम्टम के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी पड़ेगी अगर दर्द आपका बहुत दिनों से है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आपको कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तक इन्फॉर्मेशन पहले सबसे पहुँच सके। इस वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बी हैप्पी, बी हेल्थी।